सलाम वालेकुम, आई एम सुष्मिता सेनगुप्ता, होममेकर। इस्लाम में औरत लोग तो नमाज अदा कर सकती है, मस्जिद में क्यों नहीं कर सकती है? अगर करती है तो कोलकाता में क्यों नहीं है? और इबादत में कुछ फर्क है क्या मर्द का और औरत का? वो ईदगाह में क्यों नहीं जा सकते? बेन का सवाल है कि इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ती, और नमाज पढ़ने का तरीका अलग क्यों है, और ईदगाह में क्यों नहीं जाती? कुरान मजीद में बहन किधर भी नहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो, कुरान को देखो। कई हदीस है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क, मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट, अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं, वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते क्यों रोकते हैं उनसे पूछिए। कुरान हदीस में तो लिखा है जा सकते है। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या? नहीं भाई, है दो मस्जिद है, वायदा बोलते दो मस्जिद है, एड्रेस ले लेना बाद में। दो मस्जिद है जहाँ खवातीन जा सकते, इंशाल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाल्लाह सब मस्जिद में 4 होंगी, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं, तरीका यकसा है, औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ, अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ, मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इस चीज हैविंग पीरियड ये टेका, भले वो नमाज नहीं पढ़े तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, अगर हैस में फिर भी जा सकते तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते। ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकते, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।